हर काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ये तो ज़िंदगी काट लेता है हर कोई यहाँ, ज़िंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग योर फेवरेट शो लेट्स टॉक विद जर्नलिस्ट प्रवीण। और इस कार्यक्रम में हम ऐसी ही कुछ पर्सनैलिटीज़ से आपको मिलवाने का प्रयास कर रहे हैं, रूबरू करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप भी इंस्पायर हो सके और न जाने किसकी ज़िंदगी की राह बदल सके। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है अमित गोयल जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले गुरुग्राम वासी जानना चाहेंगे कि अमित गोयल जी कौन है। देखिए, मेरा जो एक कार्य क्षेत्र है, सामाजिक कार्यों की तरफ मेरा रुझान है, मेरा दिल है, मेरा मन है जी। उसके साथ साथ कुछ संगठन दायित्व भी मेरे पास है, चाहे वो पार्टी संगठन का दायित्व हो चाहे अन्य दायित्व हो। तो उन दायित्वों को साथ लेकर मैं अपना थोड़ा बहुत समय जो समाज को, राष्ट्र को दे सकता हूँ, वो मेरा एक प्रयास है। सर, एमिनेंट सिटीजन है आप, सीएम विंडो के, तो कैसे लाइफ का शेड्यूल रहता है कि फैमिली पहले या एमिनेंट सिटीजन? देखिए, जब आप सामाजिक और राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आपको बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा। और मैं ये कहूँगा कि हम सब लोग चाहे दिन में एक घंटा निकालें, चाहे सप्ताह में एक दिन निकालें, चाहे साल में कितने दिन निकालें, इस समाज के और राष्ट्र के प्रति हम सभी को लगाना भी चाहिए और सभी लोग लगा भी रहे हैं। तो जब आप एक मन में धारणा बना लेते हैं तो परिवार भी मैनेज हो जाता है। और थोड़ा सा मेरे साथ प्लस पॉइंट ये रहा कि बच्चे मेरे अब बराबर के हैं, तो मुझे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगाने में भी गुरेज नहीं होता है, तो मैं समय ज़्यादा भी लगा लेता हूँ। बीवी की कितनी शिकायतें रहती है? देखिए, जब आपकी एक इच्छा एक समाज के प्रति कार्य करने की हो जाती है तो परिवार भी उसमें आपका साथ देता है। मैं ये कहूँगा कि चाहे वो परिवार बच्चे हों, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ बाप हों, जब उनको पता लगता है कि ये कुछ करना चाहते हैं, इनकी दिल की इच्छा और इनको आत्मसंतुष्टि मिलती है ये कार्य करने में, तो परिवार साथ लग जाता है। मुझे लगता है कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रहती है। अमित जी, गुरुग्राम, गुरुग्राम से निकल के हरियाणा, हरियाणा से निकल के इंडिया, और इंडिया से निकल के कहीं ना कहीं तिब्बत की आज़ादी के लिए आप काम कर रहे हैं। कैसे सोचा, कैसे स्टार्टिंग हुई, माइंड में कैसे आइडिया स्टक हुआ कि तिब्बत के लिए कुछ करना चाहिए? देखिए, कोई ना कोई कार्य जब जिम्मेवारी आपको मिलती है, देने वाला तो वो परमात्मा है, और परमात्मा ने कहीं ना कहीं सभी को चुन के यहाँ भेजा है। सब, मैं तो एक बात कहूँगा, सब अपना अपना क्षेत्र कार्य कर रहे हैं, करवाने वाला वो है। तो मुझे भी एक आदेश हुआ कि आपको प्रांत अध्यक्ष के तौर पे, कार्यकर्ता के रूप में भारत तिब्बत सहयोग मंच में काम करना है। तो मुझे शुरू में तो ये लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि ये देवों का देव जो हमारा आराध्य देव है, कैलाश मानसरोवर, जिसका मुक्ति अभियान है, और ये राष्ट्र के प्रति, क्योंकि तिब्बत की आज़ादी होगी तो हमारा राष्ट्र सुरक्षित होगा, भारत की सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है, तो मुझे लगा कि अगर इसमें मैं अपना कुछ दे पाऊंगा तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं, जैसे भगवान राम मंदिर का मुद्दा चला, काफ़ी सालों के बाद वो इम्प्लीमेंट हुआ, तो अभी हम लोगों से चर्चा करते हैं तो कहते हैं जी ये क्या मुद्दा है कैलाश मानसरोवर का, लेकिन मुझे लग रहा है कि कई कई पीढ़ियाँ या कई कई साल या 10-20 साल भी निकल जाते हैं किसी विषय को उस मुकाम तक पहुँचने में। तो कैलाश मानसरोवर हम सबका आराध्य देव जो स्थान है, वो जरूर चाइना से मुक्त होगा, बिना पासपोर्ट वीजा के हम दर्शन कर पाएंगे, बाई रोड हम दर्शन कर पाएंगे और सपरिवार हम उसके दर्शन कर पाएंगे, ऐसा एक मिशन। सर, बड़ा अच्छा, बड़ा आध्यात्मिक और एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेके आप एक काम कर रहे हैं। लेकिन हम अगर बात वापस गुरुग्राम पे आए तो आप RWA के अलग अलग पदों पे जिम्मेदारी निभा चुके हैं, और ऐसा कहा जाता है कि RWA से ही एक पार्षद की पौध तैयार होती है। तो हम क्या माने कि अमित गोयल को अगर मौका मिलेगा, क्या वो बतौर पार्षद भी गुरुग्राम की, अपने वार्ड की जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं इतना कहूँगा कि मुझे RWA मेंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पे काम करने का सौभाग्य मिला, फिर मुझे यूनैनिमस RWA प्रेसिडेंट सेक्टर 15 पार्ट 2 का कार्यभार संभालने का अवसर मिला। मैंने प्रयास किया जो बेहतर मैं कर सकता था। अभी मैं CM विंडो एमिनेंट पर्सन के तौर पे कार्य देख रहा हूँ। हरियाणा सरकार के जितनी भी शिकायतें CM विंडो पे आते हैं गुरुग्राम विधानसभा में, उसमें हम 4-5 साथी हैं, उनमें मैं भी एक हूँ। मैं अन्य दायित्व भी मेरे पास है। देखिए, मेरा हमेशा एक ही कथन रहता है कि पार्टी संगठन जो आदेश करे आपने कार्य वो करना है,
मैं पीछे एक आशुतोष राणा जी का एक वक्तव्य आपको सुनाऊंगा, मैं सुन रहा था कि मेरी इच्छा तो है मैं मर्सिडीज चलाऊं और मुझे 800 मिली, मैं उसमें कुछ कार्य ही करके ना दिखाऊं। तो मैंने उसको सुना पूरा, तो जो भी कार्य पार्टी संगठन दे उसको दिल से, मन से और इच्छा शक्ति से हम बेहतर करके उस कार्य को करें। उस परमात्मा ने सबके लिए सब ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं। कोई भी आदेश पार्टी संगठन जिस भी लेवल पर करेगा, जो आज मुझे मिला हुआ है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, जो कार्य क्षेत्र मुझे दिया हुआ है उसमें मैं अपनी तरफ से बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। भविष्य किसी का कुछ पता नहीं होता, ये जो भी होगा आगे अच्छे के लिए होगा, मेरे लिए जो बेहतर होगा, जो परमात्मा ने लिखा होगा, जो पार्टी संगठन लिखा होगा वो। अमित जी कहते हैं कि ज़िंदगी के अंदर जो समय होता है वो सबसे बड़ा टीचर है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन अगर हम बात क्वालिफिकेशन की करें तो आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई? देखिए बेसिकली मैंने DSD कॉलेज से प्लस वन और प्लस टू किया जी, क्योंकि कम उम्र में ही मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। 17-18 साल की उम्र थी मेरी, तो उसके बाद मैंने परिवार को संभाला, मैंने अपनी शादी, अपनी बहन की शादी, बच्चों को मैं यहाँ तक लेके आया। तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं यही कहूँगा DSD कॉलेज से मैंने प्लस टू किया, उसके बाद अन्य क्षेत्रों में मैंने अलग अलग कोर्सेज प्राइवेट किए। मेन शिक्षा मेरी 10th तक जो है मेरे ये जो रहा वो मेरा फर्रुखनगर बेस रहा है, हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ से मैंने 10th तक पढ़ाई की और उसके बाद प्लस वन प्लस टू की। फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया था DSD कॉलेज से, उस समय प्लस वन और प्लस टू कॉलेजेस से हो जाती थी, तो हमने फिर सीधा 2 साल में गुड़गांव आया। 17 से 17.5-18 साल की मेरी उम्र होगी, तो उसके बाद मैंने परिवार को, अपने काम धंधे को, अपनी और जो जिम्मेवारियाँ थी उसको मैंने काम किया। मैंने फर्रुखनगर युवा मोर्चा शहरी अध्यक्ष के तौर पे भी, जब माननीय स्वर्गीय बाबूजी सीताराम सिंगला जी होते थे तब मैंने 2 साल शहरी अध्यक्ष के तौर पे भी काम किया। कुछ साल फिर मैं, क्योंकि परिवार पहले था, मैंने उन चीज़ों को प्रायोरिटी रखी। उसके बाद पिछले 6-7 साल से मैं कंटिन्यू इस सामाजिक क्षेत्र में हूँ, पार्टी संगठन का जो भी आदेश होता है उसमें कार्य। अमित जी लाइफ के साथ साथ एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, आज हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं, लाइफ को आगे बढ़ाने की, किसी को इंस्पायर करने की, लेकिन बात जब DSD कॉलेज की करें, कोई ऐसी शरारत जो आपको अभी भी याद हो और लाइफ टाइम कहीं अगर आपके पुराने दोस्त मिलते हैं तो आप याद करते हैं यार वो शरारत थी, वो गजब थी, आज मैं कैमरे के ऊपर आपसे पूछना चाहूँगा। नहीं देखिए बहुत सारी शरारतें होती हैं क्योंकि बहुत पुराना पीरियड हो गया है, काफ़ी साल की बात हो गई है, लेकिन हम 6-7 दोस्त थे और हम चाय की दुकान पर बैठते थे। तो मैं उस समय का किस्सा सुनाऊँगा, तो सभी के अपने अपने अंदाज थे, सभी के अपने अपने शौक थे। तो कोई कहता था भैया मैं तो चाय पीऊँगा, कोई कहेगा नींबू पानी, कोई और शौक भी बहुत सारे थे। तो वो एक माहौल ऐसा था कि हमें इन चीज़ों का ना तो कोई शौक था ना कोई पता था, तो हम भी उस कंपनी में बैठते थे और सोचते थे कि सभी की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, परमात्मा ने सबको अपने अपने हिसाब से बना के भेजा है। हम बिना कुछ करते हुए भी और खाली बैठे हुए भी इंजॉय करते थे, लेकिन वो क्योंकि सर्कल था, ग्रुप था, तो उसमें आप लोग उतना ही इंजॉय करते, कोई कार्य कोई कैसा भी कर रहा है लेकिन आपका एक अलग ही एक चार्म रहता है, एक अलग ही मजा रहता है, तो बड़ा आनंद आता था। लेकिन मुझे समय कम मिला, उस समय 2 ही साल मिले, ज़्यादा मेरे को मिला नहीं। और बचपन की कोई शरारत ऐसी कि जिसे याद करके आपने कभी अपने माँ बाप को परेशान किया हो, परेशान मतलब कि चुलबुलाहट में? देखिए जिम्मेवारियों का बोझ बहुत ज़्यादा रहा, मैं आपको बताऊँ 16-17 साल की उम्र में एक फादर पहले से बीमार हो गए थे, उनको कैंसर था और 2-3 साल वो बीमार रहे, तो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर ऐसा नहीं था कि हमने ज़्यादा वो किया, जिम्मेवारियों की वजह से हम काम में लगे रहे। और आज मुझे लगता है कि उस 17 साल की उम्र से, आज मैं 50 साल की उम्र पे हूँ, लगभग 30-32 साल का तजर्बा एक्सपीरियंस जो हमने इस धरातल पर काम करते हुए, उसमें हमने अच्छा भी बुरा भी बहुत तरह का उतार चढ़ाव आए, बहुत सुख दुख भी आया, हम उस नैया को पार लगाते हुए आज यहाँ पहुँचे हैं। आज परिवार हमारा बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा है, इसीलिए हम इतना समय और वो एक, क्योंकि उस दौर से निकले थे तो इच्छा भी रहती है कि इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हम थोड़ा बहुत कुछ कर लें। सर एक्चुअली कई बार क्या होता है ना, सोशल लाइफ ऐसी हो जाती है कि आदमी को हमेशा, जैसे अभी हम कैमरे के सामने बैठे हैं, कि हमें बिल्कुल परफेक्ट होकर बैठना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन जो पर्दे के पीछे की कुछ आदतें होती है, अमित गोयल जी का कोई ऐसा शौक, ऐसी हॉबी जिसे वो चाहते हैं कि वो कभी ना कभी करे, कभी चाहे वो नाचने का हो, गाने का हो, या कोई और जो हमारी समझ में नहीं अभी? देखिए मुझे एक पैशन है, मैं लोगों के काम करा सकूं। एक पीड़ा होती है, दर्द होती है, क्योंकि हम उस दौर से निकले हैं कि हम उम्मीद करते थे कि हमारा काम हो जाए तो हम इतना आगे बढ़ जाए, तो एक दिल में जुनून है, एक काम करने की इच्छा है कि मेरे पास आए
अगर वो उम्मीद करके आया है तो उसमें मेरी आत्मसंतुष्टि जरूर हो कि मैंने प्रयास किया, होना ना होना वो परमात्मा के हाथ में है, उस बंदे की अपनी उसमें है, मैं प्रयास कर सकूं, अपना सा सहयोग दे सकूं, क्योंकि ये समय जो है वो ज़रूरी नहीं सभी को मिले। तो मुझे लगता है कि जो समय परमात्मा ने मुझे दिया है मैं इसमें अच्छे से काम करके, जो भी मैंने कहा ना कि ज़रूरी नहीं कि बड़ा काम, जो भी काम मेरे पास आए उसको मैं मेहनत से ईमानदारी से जो भी मेरा लेवल है उस पर करके उनको राहत दिलवा सकूं, वो मेरा एक जुनून पैशन कुछ काम करने की इच्छा, ये लगता है कि परमात्मा ने कुछ ना कुछ करने के लिए आपको यहाँ भेजा है। उस कड़ी में आप अपनी तरफ से बेहतर प्रयास करते हुए निरंतर अपने आप में सुधार करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि जो विज़न जो सोच आप लेके चले हैं जो आपके मन में या दिमाग में है उसमें लोग और परमात्मा आपकी सहायता नहीं करेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। सर हम लाइफ के ना डिफरेंट पार्ट की बात यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके अंदर आज की हम बात करें तो कहीं ना कहीं समाचार पत्रों की सुर्खियों में, कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनल्स पे, या कहीं ना कहीं सोशल लाइफ के अंदर आपको विधायक जी का करीबी माना जाता है, देखा जाता है। तो सवाल ये है कि आप विधायक जी के करीबी हैं, विधायक जी आपके करीबी हैं? मैं इसमें एक ही शब्द कहूँगा कि एक ट्रस्ट होता है आपस में, एक विश्वास होता है, एक रिस्पेक्ट होती है। वो माननीय विधायक जी हों या परवीन जी और हम हों या अन्य कोई व्यक्ति हो, जब आपके अंदर एक आपस में एक रिस्पेक्ट होगी, एक कार्य करने की एक क्षमता भी होती है, एक आपस में एक भरोसा भी होता है, तो उसको आप करीबी माने। मैंने क्या कहा कि मेरा जिद और जुनून काम कराना है, जो भी मेरे पास विषय आए मैं उसको जिस भी माध्यम से वो हो सके उसमें प्रयास करना, ठीक है, मेन प्रायोरिटी यही रहती है। माननीय विधायक जी हमारे बिल्कुल उसको शब्दों का हेरफेर हो सकता है, मैं कहूँगा कि वो एक भाई के नाते मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और एक बड़े भाई के नाते मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो उसमें सब कुछ समाहित हो जाता है, शब्दों का अपना अपना वो है। सर आपने बोला कि आपका पैशन है लोगों के काम करवाना, किसी के काम आ जाए, आप कहीं ना कहीं उन परिस्थितियों से निकले हैं कि अगर उस समय पे आपको लगता था कि हमारा काम हो जाए तो शायद हम जिंदगी में कहीं आगे निकल जाएं, तो ऐसा कोई लम्हा कि आपने किसी का कोई इम्पोर्टेंट काम करवाया हो सकता उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और आपके प्रयासों से वो हो गया, उसके बाद उसने आपको रिकॉर्ड किया हो, उसका आपको रिस्पेक्ट दी हो, आपका सम्मान किया हो और आपको लगे हाँ यार एक्चुअल लाइफ यही है? बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। सबसे पहले मैं अपना एक बताऊंगा, हम फर्रुखनगर रहते थे, मैं गुड़गांव बच्चों के एडमिशन के लिए आया तो बड़े वाले बेटे का मेरा एडमिशन ब्लू बेल्स में हुआ और छोटे वाले का उसका नंबर नहीं आया। मुझे उस समय अप्रोच लगाने में एडमिशन के लिए मतलब ऐसा लगता था कि कितना बड़ा काम है कि भाई मैं एडमिशन इसका कैसे करा पाऊंगा। मैं आज भी उसी विषय को देखता हूं कि जब हम इतनी पीड़ा से गुजरे, हमें बच्चों के लिए इतनी, तो हर माँ बाप कितनी अपने बच्चों के लिए प्रयास करता होगा, तो कहीं भी कोई विषय आता है मेरा पूरा रहता है कि मैं उसमें कोई हेल्प कर सकूँ। अभी आपने दूसरा, मैं अभी आपके अभी चैनल तक आते आते, आपके स्टूडियो तक आते आते मेरे पास एक काम आया जस्ट अभी कि DSD कॉलेज में बच्चा फर्रुखनगर से चला, प्रैक्टिकल उसका MA का था और वो 15 मिनट लेट हो गया, बस जाम की वजह से या ख़राब होने की वजह से उसको प्रैक्टिकल में नहीं बैठाया जा रहा। मैं जस्ट आपकी 5 मिनट पहले की बात बता रहा हूँ, मैंने प्रिंसिपल जी से बात की, उन्होंने कहा मेरे पास बैठे भेजिए उनको, मैंने उनके पास भेजा, उन्होंने जस्ट कहा कि बच्चे के लिए हम लाइफ ख़राब नहीं होने देंगे, अभी उनका जस्ट आपके ऊपर चढ़ते फ़ोन आया कि जी उन्होंने उसको प्रैक्टिकल में बैठा लिया। तो मुझे लग रहा है कि काम बहुत बड़ा नहीं था लेकिन बच्चे की लाइफ का मैटर था, मेरे को आत्मसंतुष्टि इतनी हुई कि एक छोटा सा प्रयास, मैंने निवेदन किया, उन्होंने कहा मेरे पास भेजिए मैं प्रयास करता हूँ, 15-20 मिनट लेट है और वो बच्चा प्रैक्टिकल में आज के दिन ही DSD कॉलेज में बैठा है, फर्रुखनगर से था, मेरे मित्र थे, उनका बेटा था, अभी फ़ोन आया और चलते चलते आपके स्टूडियो तक पहुँचने के बाद उनका रिवर्स कॉल आया कि जी वो प्रैक्टिकल में बैठ गया है। तो ये जो काम तो हजारों सैकड़ों होते हैं, वो हमारा दायित्व तो है, हमारा फर्ज है, हम देखिए जब हम सब लोग आप ये कहते हैं कि भी माननीय विधायक जी के साथ जुड़े हुए तो हमारी ड्यूटी भी बनती है कि आज वो विधायक जी हैं उनसे जो भी काम हो सकते हैं, लोगों को जो राहत मिल सकती है हमें उसको कराना भी चाहिए और कराने का पूरा प्रयास भी रहता है। सर बहुत अच्छी बातें आपने शेयर की और सबसे बड़ी बात की कि हम कहते हैं कि लाइफ के अंदर अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो समय से बड़ा एक्सपीरियंस और ज़्यादा एक्सपीरियंस कोई नहीं दे सकता, और ऐसी ही परिस्थितियाँ कुछ आपने यहाँ पर बयान की, तो आपके लगभग 32 साल के एक्सपीरियंस से आप गुरुग्राम वासियों को या प्रदेश वासियों जो भी व्यूवर्स हमारे यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं कि आज का यूथ किसी गलत दिशा की ओर ना जाए, कभी थके ना, कभी हारे ना,
क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यूथ से मैं एक निवेदन करूंगा, जो मैं अपने बच्चों को भी निवेदन करता हूं, कि आज की टेक्नोलॉजी की आपको बहुत ज़्यादा समझ है, उस टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करें, पर जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने अपना धरातल पे जो एक्सपीरियंस लिया है उसका आपने उसको समाहित करना, उसका मिश्रण, क्योंकि उनका तजर्बा धरातल का है, उन्होंने काम करके वो तजर्बा हासिल किया, आप टेक्नोलॉजी के साथ है। जब टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस आपके माता पिता का बुजुर्ग, अगर वो दोनों का मिश्रण हो जाएगा, आप कभी जीवन में मार नहीं खाएंगे। उसके साथ साथ आपको हमेशा अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़ना है, और अच्छे संस्कारों के साथ साथ कोई भी काम करो, जरूरी नहीं वो मर्सिडीज ही चलाने का मिला, मारुति 800 भी अगर मिल रही है, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, उस काम को इतनी मेहनत से, इतने दिल से और इतनी आत्मा से करो, आपकी आत्म संतुष्टि जरूरी है। आप ये संतुष्ट होंगे कि मेरे लिए काम बेहतर हो गया, तो आप अगला काम भी और बेहतर कर पाएंगे। दूसरा, कभी भी काम कोई अच्छा होता है उसमें भी कमियां रहती है, मैं उसके लिए भी कहूँगा, फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन जी, वो हमेशा एक बात कहते हैं, जीवन में निरंतर सुधार, कभी प्रक्रिया बंद नहीं होती। आप ये सोच रहे हैं मैंने ये काम बहुत बेहतर कर लिया, लेकिन पूरी उम्र आप सीखते रहते हैं, कभी भी सीखने की उम्र नहीं होती, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हमेशा सीखते रहें, अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़ें। लेकिन टेक्नोलॉजी और तजर्बे का मिश्रण करते हुए मुझे लग रहा है कि कोई भी बच्चा इस जीवन में मार नहीं खाएगा। मैं अपने बच्चों को यही हमेशा सलाह देता हूं कि हमारे तजर्बे का भी फायदा लो, अपनी टेक्नोलॉजी का फायदा लो, और आज मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं जो भी थोड़ा बहुत 10-5% यहाँ खड़ा हूँ, उसमें मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का बहुत अहम रोल। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी इंस्पायरिंग बातें हमारे व्यूवर्स के लिए करने के लिए। और वो कहते हैं कि मत सोच मेरे बारे में ए गालिब, मत सोच मेरे बारे में ए गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा और तेरी राय भी। और इसी ही एटीट्यूड के साथ आज देश के युवा को काम करने की ज़रूरत है, कभी भी उन्हें हताश नहीं होना है, कभी निराश नहीं होना है, वक्त बदलेगा, राय बदलेगी, और इसी तरह तमाम जो पर्सनैलिटीज़ हैं जो गुरुग्राम के लिए या देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छे काम कर रही हैं और कुछ डिफरेंट करना चाह रही हैं, और ऐसी ही पर्सनैलिटीज़ को इस कार्यक्रम के थ्रू आप रूबरू होते रहेंगे, और इसी तरह मुझे भी दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के साथ, एक नई पर्सनैलिटी के साथ।